अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल नायाब असील अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिले। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है। इस वीडियो में मैं आपको 7-8 मुर्गों का शौक करवाऊँगा और 7 पट्ठों और मुर्गियों का शौक करवाऊँगा, पूरे कम्प्लीट सेटअप का शौक करवाऊँगा, जो मेरी अंकल के घर का मतलब सेटअप है, मैं वहाँ का सब आपको शौक करवाऊँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये शौक करें मुर्गे का। अभी इनमें कुछ मुर्गे मैं अपने साथ लाया था। वीडियो आप एंजॉय करें और वीडियो आखिर तक देखें, आपको मज़ा आएगा। ये वाला मुर्गा अभी तो मेरे पास खड़ा है, लेकिन ये उस वक्त अंकल के घर की बनी हुई थी वीडियो। देखें माशाल्लाह, ये देखें। और ये वाला मुर्गा भी अब मेरे पास है। देखें शौक करें, प्योरिटी देखें और खूबसूरती देखें। ये इतने बड़े नहीं है उम्र में, ब्रीडर दूसरी तरफ खड़े होते हैं, वो बाद में मैं आपको उनकी भी वीडियो दिखाऊंगा। तकरीबन एक जैसे कलर हैं इनके पल्ले, देखें। माशाल्लाह से काफ़ी लंबे पले हैं, बिल्कुल एक जैसे कलर हैं इनके। ये अंदर की वीडियो बनी हुई है और इनकी चमक देखें। तो ये देखें माशाल्लाह, बहुत क्वालिटी में है ब्रीड। खड़े होने का अंदाज देखें, हालांकि ये बिल्कुल डरते हैं, कभी पकड़ा नहीं है इनको, बातना ना पानी डाल दिया। ये देखें बिल्कुल सहमा खड़ा, डरा खड़ा है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत ये ब्रीड है। इसी वीडियो में मैं आपको पट्ठे और मुर्गियों का भी शौक करवाने लगा हूँ। आखिर पे ये मुर्गे आप देख लें, इन मुर्गों के बाद एक ब्रीडर का मैं आपको पकड़ के शौक करवाऊंगा, वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए ये भी बिल्कुल डर रहा है, ये डरते हैं बहुत, बहुत शोर मचाते हैं, ये बिल्कुल समा पड़ा। ये ब्रीडर का शौक करें, फेस देखें, नोक देखें, इसकी ताई देखें। देखें फेस देखें माशाल्लाह। आंख का शौक करें, ताई देखें, गर्दन के बाल अभी ये क्रीज में है बिल्कुल, गर्दन के बाल इसने बहुत निकालने हैं। आंख देखें, फेस देखें, इसका क्वालिटी चेक करें। दुम भी और इसने लंबी निकालनी है। पल्ले देखें, काफी लंबे पल्लों में है ये। चलने फिरने का अंदाज देखें, खड़े होने का अंदाज देखें, बिल्कुल सीधा खड़े होते हैं ये। जी देखें अब शौक करें, ये बाकी सब ये आधार छोड़े हुए हैं यहाँ। पट्ठे देखें, पट्ठियाँ देखें, बड़ी मुर्गियाँ भी हैं साथ। ये सारा सेटअप आप देखें, शौक करें। इनमें इस ब्रीड से क्रॉस हुए हुए कुछ मुर्गे भी बीच में छोड़े हुए हैं, चलो मुर्गियों के अंडे वगैरह बंदा खा ले। ये पट्ठे ओरिजिनल ब्रीड के हैं,
साथ मुर्गी भी। तो ये सारा सेटअप अंकल ने बनाया हुआ है, अपनी पूरी ज़मीन के गिर्द दीवारें खड़ी की हुई हैं इन परिंदों के लिए। जो मुर्गियाँ जिनके बच्चे करवाने होते हैं वो दूसरी साइड पे ले जा के ब्रीडरों के साथ लगा के फिर जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं यहाँ छोड़ देते हैं। तो ये इनके लिए बेस्ट जगह है। आप वीडियो इंजॉय करें, आगे मुर्गियाँ आएंगी, कैमरा जूम करके मैं दिखाऊंगा। इनको पकड़ना नामुमकिन था वरना पकड़ के शौक करवाता। तो ये डरते हैं और उड़ जाते हैं। आप वीडियो इंजॉय करें, अभी चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जल्द हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।